राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। एक और पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ना भी मिले तो भी वो कार्यक्रम में जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर राम चले थे। उधर समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मंदिर निर्माण पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण इंसानियत, धर्म और कानून के खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है। मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। अभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को खत्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मंदिर ही, मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है।